कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस का एक्शन प्लान। मेरठ शहर के मुख्य चौराहे पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ चेकिंग अभियान। सीएम के आदेशों के बाद सड़कों पर उतरी है पुलिस। बिना मास्क घूम रहे लोगों का किया जा रहा है 500 का चालान भी बड़ी तादाद में लोगों को दिया गया। सड़कों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को सीएम के कोविड कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हर कीमत पर संक्रमण रोकने के निर्देश दिए थे। बेगमपुर चौराहा पर एसपी अपने टीम के साथ उतरे और बस से लेकर दोपहिया वाहन तक चेकिंग की गई। आज पूरे शहर में प्रमुख स्थानों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सर्किल कैंट में जो मुख्य एरिया है, जैसे कि बेगमपुर चौराहा, लाल कुर्ती में पैंट चौराहा, यहाँ पर सभी जगह पर मास्क की सघन चेकिंग की जा रही है। जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सबका 500 रुपये का चालान किया जा रहा है और पूरे शहर में ये अभियान आज भी चलेगा और लगातार ये चलता रहेगा। और जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे, अब सरकार के सख्त आदेश हैं कि उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि अब हमें हर तरह से कोविड के प्रकोप को रोकना है, इसको फैलने से रोकना है। तो सभी लोगों से यही निवेदन है कि मास्क लगाएं और किसी भी तरह की कार्रवाई से बचें। मुख्य उद्देश्य पुलिस का यही है, मुख्य उद्देश्य पुलिस का पैसा कलेक्शन नहीं है कि हम मास्क के थ्रू पैसा कलेक्शन करें। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जनता को समझाएं। तो हम जनता को समझा भी रहे हैं कि हाँ, आप मास्क लगाइए, मास्क लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पब्लिक उसको मान भी रही है, काफ़ी संख्या में लोग आज मास्क लगा के भी निकले हुए हैं, क्योंकि इस चीज़ को कल अखबार में के थ्रू भी, मीडिया के थ्रू भी पब्लिसाइज किया गया था। तो बस यही निवेदन है कि सभी लोग मास्क लगाएं, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो हम लगातार इस तरह का अभियान चला के आप पब्लिक के विरुद्ध कार्रवाई करते रहेंगे। NBC न्यूज़ के लिए मेरठ से रशीद खान की रिपोर्ट।